हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज दो कलर में मैं बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डोरमैट बनाना बताऊंगी। उसके लिए देखिए, मैंने ये दो कलर की पुरानी चुन्नी ले ली है। पुरानी चुन्नी की मैंने एक एक सेंटीमीटर चौड़ी इस तरह से पट्टी काट ली है। देखिए इस तरह से ये मैंने दो कलर लिए हैं। आपको जो भी दो कलर पसंद हैं आप वही कलर ले लें। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये 8 नंबर के नीडल्स लिए हैं। यहाँ पर देखिए, हम फंदे डालेंगे। फंदे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से डालूंगी। इस तरह से देखिए, हम एक नोट बनाएंगे ऐसे। सबसे आसान तरीका है फंदे डालने का ये। देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। देखिए, यहाँ पर मैंने 25 फंदे डाल लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 25 फंदे डालने के बाद देखिए, इस रो को हम इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से उतारेंगे। फर्स्ट रो इस तरह से जब हम फंदे डालते हैं तो फर्स्ट रो थोड़ा आराम से निकालते हैं। देखिए इस तरह से निकालेंगे। एक रो हम इधर से निकालेंगे और एक रो दूसरी साइड से। इस तरह से देखिए, इस तरह निकालेंगे। फर्स्ट रो देखिए, थोड़ा सा आराम से निकालते हैं वरना हमारे फंदे लूज हो जाएंगे। इस तरह से जब हम फंदे डालते हैं, ये देखिए फर्स्ट रो हमने इस तरह से निकाल ली है। अब यहाँ से देखिए, इस फंदे को हम उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा इसी तरह से बना लेंगे। बहुत ही आसान है इस मैट को बनाना। बहुत ही इजी तरीके से मैं इसे आपको बनाना बताऊंगी। बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से देखिए हम इस पूरी रो को बना लेंगे। साथ में इस पट्टी को इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड।
ब्लास्ट का फंदा देखिए इस तरह से सीधा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए एक रो हमने इधर से बना ली, एक रो इधर से बना ली। अब हम यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर हम देखिए उल्टी साइड से लगाएंगे, इस तरह से पट्टी को लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से दबा लेंगे साथ में। येलो कलर से भी देखिए हम एक रो इधर से लगाएंगे और एक रो उधर से लगाएंगे। इस तरह से देखिए इस पट्टी को देखिए इस तरह यहाँ पर दबा लेंगे। इस तरह देखिए सीधी साइड से हम इस फंदे को इस तरह से देखिए उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे। और यहाँ पर इस रो को भी देखिए हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो चलिए ये रो बना लेती हूँ। ये देखिए ये येलो एक रो इधर से बनाई, एक रो इधर से, उसके बाद हमने दो रो पिंक कलर से बनाई है। देखिए ये दो धारियाँ हमारी चार सिलाइयों में बन के आई हैं। तो अब देखिए उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, इस फंदे को हम उतारेंगे। हमें यहाँ पर 12 फंदे पिंक कलर से बनाने हैं। देखिए 2, 3 और इस येल्लो पट्टी को साथ में ले लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 फंदे हमने पिंक कलर से बना लिए हैं। अब हम ये एक फंदा येलो कलर से बनाएंगे, फिर हम 12 फंदे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 12 फंदे हमने पिंक कलर से इस साइड बना लिए हैं और 12 फंदे इस साइड। देखिए इस तरह से सीधी सिलाई में हमें कोई भी चेंज नहीं करना, जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे। देखिए इस तरह से इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे और ये जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। देखिए इस तरह से अब देखिए इस पिंक पट्टी को पीछे करेंगे और येलो पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे और इस पिंक येलो को बना लेंगे। फिर से देखिए येलो पट्टी पीछे की साइड करेंगे और पिंक को आगे की साइड लेके आएंगे और इस तरह से 12 फंदे हम पिंक कलर के बना लेंगे।
इस तरह से देखिए, लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह ऐसे। इससे सीधा बनाने से देखिए हमारी इस तरह से प्रॉपर तरीके से ये किनारे बन के आएगी और हमारा मैट देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए उल्टी सिलाई में आ गए हैं, इस फंदे को उतार लेंगे आगे वाले को, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह फंदे पिंक कलर से बनाएंगे और देखिए एक फंदा ये वाला येलो कलर से ले लेंगे पिंक वाला, और एक फंदा इधर से भी येलो कलर का बना लेंगे ऐसे। फिर से देखिए ग्यारह फंदे पिंक कलर से बनाएंगे इस तरह से। इस पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। इस तरह से देखिए सीधी साइड हम ये इस फंदे को उतार लेंगे इस तरह और पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे। जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए अब पिंक पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे और येलो पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे। जो तीन फंदे येलो कलर के हैं उन फंदों को येलो कलर से बना लेंगे इस तरह से देखिए। फिर येलो पट्टी पीछे की साइड करेंगे और पिंक पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। और देखिए इस पट्टी को थोड़ा सा हम इस तरह से लूज छोड़ते जाएंगे इस तरह से ऐसे। देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब इस फंदे को देखिए इस तरह से उतारेंगे, बनाएंगे नहीं। देखिए दो चार छः सात आठ नौ दस, दस फंदे पिंक कलर से बनाएंगे और दो फंदे देखिए ये एक फंदा यहाँ से पिंक कलर वाला येलो कलर से बना लेंगे। ये दो तीन और इस पिंक पट्टी को आगे की तरफ ले आएंगे देखिए इस तरह दबा लेंगे। ये चार और एक फंदा पिंक वाला फिर से येलो कलर से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे येलो कलर के पांच फंदे बन गए। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस, देखिए इस तरह बन के आएगा। अब इसी तरह से बनाते हुए हम येलो पिंक वाले फंदे एक एक येलो कलर से बनाते हुए देखिए हम यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक बना लेंगे। दो चार छ आठ, आठ फंदे हम यहाँ से येलो कलर के बना लेंगे और आठ फंदे यहाँ से, तो दो दो फंदे यहाँ पर छोड़ देंगे। इतना बनाने तक मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि कैसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पर एक एक फंदा इस साइड से पिंक वाला
येलो कलर से बनाया और एक एक फंदा इस साइड से। तो यहाँ पर देखिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 फंदे ये मैंने यहाँ पर येलो कलर के बना लिए हैं और तीन तीन फंदे मैंने यहाँ पर साइडों में छोड़ दिए हैं। आप की अपनी मर्जी है, आप यहाँ पर साइडों में चार चार फंदे भी छोड़ सकते हैं, दो दो फंदे भी छोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने देखिए तीन तीन फंदे छोड़े हैं। और अब देखिए हम उल्टी सिलाई से इस फंदे को हम उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1, 2 और अब हम यहाँ पर फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर येलो कलर के दो फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे। देखिए दो का एक नहीं बनाएंगे हम, ये एक येलो वाला फंदा यहाँ पर देखिए इस तरह से पिंक कलर का बना लेंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम 2, 3, 4 और इस पिंक पट्टी को देखिए साथ में लेते हुए चलेंगे 5। और देखिए ये धागा हमारा ज़्यादा बड़ा ना रहे इसके लिए हम यहाँ पर इसे इस तरह से पर देखिए इस तरह से हम इसे बना लेंगे। ये इस तरह से हमारा बन के आएगा तो यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा पट्टी नहीं रहेगी। देखिए इस तरह से फिर से हम इस पिंक को आगे की तरफ लेके आएंगे ऐसे। और इस पिंक को देखिए जो पट्टी हमें यहाँ पर छोड़ी थी इस तरह से इसे ऐसे बना लेंगे। इससे क्या है कि हमारी ये पट्टी यहाँ पर पीछे की साइड भी ज़्यादा लूज नहीं रहेगी, इस तरह से बन के आएगी, वरना इस तरह से बहुत ही लंबी हो जाती है। देखिए और यहाँ पर फिर पिंक पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से देखिए फिर से देखिए एक येलो वाला फंदा पिंक कलर से बना लेंगे। जिस तरह हमने दोनों साइड एक एक फंदा पिंक वाला येलो कलर से बनाया था, अब की बार हमें येलो कलर वाले एक एक फंदा पिंक कलर से बनाते हुए जाना है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर बना लेंगे ऐसे। फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 ये चार फंदे हमने पिंक कलर के बनाए। देखिए इस पिंक वाली पट्टी को पीछे की साइड करेंगे और येलो पट्टी को क्रॉस करवाते हुए आगे की तरफ लेके आएंगे। सीधी सिलाई में जो भी फंदा जिस कलर से है वैसे ही बनाना है, सीधी सिलाई में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर सीधी सिलाई को कंप्लीट करेंगे ऐसे। आप इसे जितना बड़ा छोटा बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए इस पट्टी को हम इस साइड लेके आएंगे और यहाँ पर पिंक वाले फंदे पिंक कलर से बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा देखिए सीधा बनाएंगे इस तरह से। इस तरह बनाने से देखिए हमारे मैट की जो एक किनारी है पूरी ऊपर तरीके से बहुत ही सुंदर सी बनने वाली है। अब हम उल्टी रो पे आ गए हैं फिर से। देखिए इस फंदे को उतारेंगे, 2, 3,
चार, और एक फंदा येलो वाला फिर से पिंक कलर से बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर पिंक वाले पांच फंदे हो गए हैं, फिर पिंक एक दो तीन, और यहाँ पर देखिए इस पट्टी को, ये ज़्यादा बड़ी है हमारे यहाँ पर, इसको इस तरह से साथ में ले लेंगे, नीचे से उठा के इस फंदे को बना लेंगे और पिंक पट्टी को साथ में लेके हुए चलेंगे। उल्टी सिलाई में हम इसे साथ में लेके चल सकते हैं लेकिन सीधी सिलाई में नहीं, तो इस तरह से इसे नीचे से उठाएंगे और यहाँ पर इस फंदे को ऐसे बना लेंगे। तो इससे क्या है कि हमारा देखिए साथ में जॉइंट होता चल जाएगा। और फिर से पिंक पट्टी को आगे की तरफ करेंगे इस तरह से, और इस पिंक पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे यहाँ पर देखिए। फिर से देखिए एक येलो वाला फंदा पिंक कलर से बना लेंगे, एक फंदा हमें इधर से और एक फंदा इधर से, येलो वाला पिंक कलर से बनाते हुए जाना है। देखिए जिस तरह से हमने एक एक फंदा पिंक वाला येलो कलर का बनाया था दोनों साइड से, उसी तरह से अब हमें येलो वाले फंदे पिंक कलर से बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर देखिए बनाते हुए इसी तरह हम बनाएंगे, और बनाते हुए यहाँ पर एक फंदा रहने तक हम बनाएंगे। एक फंदा देखिए सीधी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी सिलाई ऐसे ही बनानी है, इसमें हमें ना ही कोई फंदा घटाना है ना ही कोई फंदा। इस तरह से देखिए यहाँ पर अब की बार हमारे दो दो चार एक पाँच, और अगले उल्टी सिलाई में देखिए यहाँ पर हमारे छः छः फंदे हो जाएंगे। इसी तरह एक एक फंदा येलो वाला पिंक कलर से बनाते हुए यहाँ पर हम एक फंदा रहने तक बनाएंगे। तो चलिए एक फंदा मैं इसे इसी तरह से बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा इस तरह से यहाँ पर मैंने पिंक कलर से बनाते हुए यहाँ पर हमारे तीन फंदे बच गए हैं। तो तीन फंदे बचने के बाद देखिए यहाँ पर हम इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर शुरुआत की थी, जिस तरह से हमने यहाँ पर बारह फंदे इस साइड छोड़े थे और बारह फंदे इस साइड छोड़े थे और एक फंदा बीच में येलो कलर का लिया था, उसी तरह से अब हम यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से आ गए हैं। तो देखिए इस पट्टी को हम साथ में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पर लेंगे और इसे इस तरह लपेट लेंगे ऐसे ऐसे, और ये येलो फंदा बना लेंगे इस तरह, और बाकी बारह फंदे हम पिंक कलर से बना लेंगे। बहुत ईजी है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे आपको बताया है, बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे, उतारा और पूरी रो अब की बार हमें यहाँ पर पिंक पिंक बनानी है, इस तरह से लपेट लेंगे इस पट्टी को। सभी फंदे हम पिंक कलर से बना लेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर ये दो रो डाली थी, एक और दो, चार सिलाइयों में हमारी ये दो धारियाँ बन के आएंगी। उसके बाद हम एक ये येलो कलर की धारी बनाएंगे और फिर एक ये पिंक कलर की धारी बनाएंगे, इस तरह से हम पूरे मैट को कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसे बना लेंगे। तो चलिए, ये मैं दो रो बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी। एक रो इधर, दो, ये दो धारियां बनाएंगे तो चार रो में बन के आएंगी। फिर हम दो सिलाई येलो कलर की बनाएंगे और इस तरह से बना के मैं देखिए आपको दिखाती हूँ।